हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्टिकल माउस क्या होता है और आप कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा माउस ऑप्टिकल है या नहीं। आइए जानते हैं। तो आप कोई भी तार वाला माउस लेते हैं, ऐसा वाला जैसे पीछे की लाइट जलती होगी, आपको दिखाई दे रही होगी, तो इसे ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। जी हाँ, इसे ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। आजकल के सारे माउस ही ऑप्टिकल होते हैं, जो भी नए नए माउस आते हैं वो ऑप्टिकल होते हैं। पहले के माउस होते थे मैकेनिकल, जहाँ पे हमें ये लाइट देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ पे लाइट नहीं होती थी, इसकी जगह एक छोटी सी बॉल हुआ करती थी, प्लास्टिक की या रबर की। जैसे जैसे वो बॉल घूमती थी और हमारा माउस काम करता था, उसे मैकेनिकल माउस कहा जाता था। पर ये है ऑप्टिकल माउस। तो आप इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं कि जिसमें भी ऐसे लाइट जल रही हो, यानी पीछे लेज़र जल रही हो, इसे ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। और ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर वाला भी हो सकता है। तो मेरे पास वायर वाला है, मेरे पास एक और माउस है वायरलेस। ये पूरी तरीके से वायरलेस है, इसमें कोई भी तार नहीं है, आप देख सकते हैं, और इसमें भी लाइट जल रही है। ये भी ऑप्टिकल माउस है मेरा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल माउस क्या होता है और आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।